जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम में से हर किसी ने पाउडर दूध का इस्तेमाल कभी ना कभी जरूर किया है। दोस्तों पाउडर दूध का इस्तेमाल ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में होता है। पाउडर दूध का इस्तेमाल होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि पाउडर दूध को हम स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं और जरूरत के हिसाब से जब इस्तेमाल करना हो हम उसे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों पाउडर दूध का इस्तेमाल पूरी दुनिया में दूध, दही, मिठाई और चाय बनाने के लिए हमेशा से किया जाता रहा है। दोस्तों फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाउडर दूध का निर्माण कैसे होता है? क्या पाउडर दूध का निर्माण किसी लैब में होता है या किसी दूसरे केमिकल से होता है, या पाउडर दूध का जो निर्माण होता है वो उसी गाय भैंस के दूध से ही होता है? तो दोस्तों आइए हम इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। दोस्तों पाउडर दूध बनाने से पहले हमें जिस चीज का ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि पाउडर दूध को बनाने से पहले जो गाय और भैंस का दूध होता है हम सबसे पहले उसे एक कंटेनर में लेते हैं, उसे पास्चुराइज करते हैं। दोस्तों पास्चुराइज करने का मतलब होता है दूध को फिल्टर करना, दूध के अंदर से जो भी कीड़ा मकोड़ा हो उसे मारकर खत्म कर देना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से एक चैम्बर के अंदर दूध को ऊपर से अंदर की तरफ डालते हैं। दोस्तों जो दूध को ऊपर से अंदर की तरफ डालते हैं वो दूध को एटोमाइजर के थ्रू डाला जाता है। ऑटोमाइजर क्या करता है, दूध को स्प्रे करता है इस चैम्बर के अंदर। और इस तरफ से आपको दिख रहा होगा हीटर एंड फिल्टर, तो इधर से क्या होता है हीट, गर्म हवा जो होता है वो इसमें सप्लाई किया जाता है। इससे क्या होता है कि दूध के अंदर जो भी वाटर ड्रॉपलेट होता है वो हवा में उड़ जाता है और जो पाउडर होता है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जमा होता है और पाउडर दूध को हम एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों पाउडर दूध बनाने के क्रम में बहुत बार फैट को बाहर निकालना पड़ता है, फैट मतलब जिसको कि हम लोग हिंदी में वसा बोलते हैं, और उस फैट को फिर बाद में जरूरत के हिसाब से दूध के अंदर मिलाया जाता है। तो दोस्तों जो पाउडर दूध का निर्माण होता है वो ओरिजिनल दूध से ही होता है। उस दूध के अंदर जो पानी मौजूद होता है उस पानी को बाहर कर दिया जाता है और जो बच जाता है वो पाउडर दूध के रूप में हमारे सामने आता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुका होगा कि पाउडर दूध का निर्माण कैसे होता है, जो ओरिजिनल दूध से होता है और उसको हीट करके उससे पानी निकाला जाता है और फिर दूध का निर्माण होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पूरा समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।